पूरे यूरोप में देखा जाए तो आज की डेट में भारत का सबसे करीबी दोस्त फ्रांस ही है। भारत और फ्रांस के बीच अब संबंध काफी करीबी हो गए हैं और ये चीज साफ झलकी थी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का समर्थन उस वक्त किया था जब पूरी दुनिया में फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों पर कार्रवाई करने के लिए विरोध हो रहा था। तब बस भारत ने ही खुले रूप से सामने आकर फ्रांस का समर्थन किया था। और अगर इतिहास को देखा जाए तो भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने पर जब दुनिया के बाकी देश भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे तब फ्रांस भी भारत के समर्थन में आकर खड़ा हुआ था। इसीलिए ये माना जाता है कि दोनों देशों के संबंध आगे आने वाले सालों में और भी ज्यादा करीब होंगे और यही चीज साफ कर दी है नए साल पर फ्रांस ने। आपको ये पता होगा कि भारत कुछ महीने पहले ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगले 2 सालों के लिए नॉन परमानेंट सदस्य चुना गया था और भारत का कार्यकाल नए साल की पहली तारीख यानी कि आज के दिन से ही शुरू होना था। अब यूएनएससी की परमानेंट सीट और वीटो पावर भारत के लिए डिप्लोमेटिक एंगल से काफी बड़ा मुद्दा तो है ही, मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये मुद्दा भारत के लिए काफी भावुक भी है। अब फ्रांस ने इसी मुद्दे को दोबारा उठाकर पुराने जख्मों को दोबारा ताजा कर दिया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत में फ्रांस के एम्बेसडर इमैनुअल लेनन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगले 2 सालों के लिए भारत का स्वागत किया है। इमैनुअल लेनन ने कहा है कि फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगले 2 साल के लिए भारत के कार्यकाल के लिए अपनी तरफ से बधाई देता है। फ्रांस भारत के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने, आतंकवाद से लड़ने और मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर को डिफेंड करने यानी कि बहुपक्षीय नीति की रक्षा करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए काफी उत्सुक है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने इसी के साथ आगे ये भी कह दिया कि फ्रांस चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जरूरी रिफॉर्म किए जाएं, जिससे भारत को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले। अब इसी बयान के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है और ये भारत के लिए कुछ खास खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब फ्रांस ने भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनाने की वकालत की हो। और बस फ्रांस ही नहीं, चाइना को छोड़कर बाकी सदस्य अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन ये सब के सब कई सालों से भारत का समर्थन करने की बात करके भारत को ये लॉलीपॉप देते जा रहे हैं। अब इसको लॉलीपॉप कहना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये सभी देश अलग अलग स्टेटमेंट्स, बायलेटरल विजिट्स और इंटरव्यूज में तो भारत के समर्थन की बात करते हैं, लेकिन जब असल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करने की बात आती है तब ये सभी देश पीछे हट जाते हैं। और आज तक इन सभी देशों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर 5 से बढ़ाकर 10 करने के अलावा कोई भी रिफॉर्म नहीं किया है। बल्कि जब इन सभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट देशों की मीटिंग होती है वहां पर इस चीज को ना एजेंडे पर रखा जाता है और ना ही इस पर चर्चा होती है, और ये चीज पिछले कई सालों से चलती आ रही है। मगर बाहर चाइना के अलावा ये सभी देश भारत को खुश करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए अपने पूरे सपोर्ट की बात जोरों शोरों से करते हैं। कुछ समय पहले तो ये भी मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी कि परमानेंट मेंबर देश एक नई स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं जिसके मुताबिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 और परमानेंट सीट बढ़ाई जाएंगी, मगर जो नए 5 परमानेंट मेंबर बनाए जाएंगे उनको वीटो पावर नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि वीटो पावर बस पुराने परमानेंट मेंबर्स के पास ही होगी। इस चीज से ये साफ हो जाता है कि असली मुद्दा वीटो पावर का ही है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये मुद्दा कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आक्रामक होकर उठा चुके हैं, मगर 5 परमानेंट मेंबर देशों के रवैये को देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये कभी भारत या फिर किसी और देश को वीटो पावर देंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चाइना के रहते भारत कभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन पाएगा या फिर कभी नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।